हेलो वन वेलकम टू दिस चैनल आई एम योर मेंटर कांंसर और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए पैरा समरी पैरा समरी बहुत ही पज़लिंग होता है व्हाइल सॉल्विंग इन द कैट और एनी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन सो लेट्स वी मूव ऑन गाइस इस चीज को आसान बनाते हैं और देखते हैं क्या-क्या फंडा यूज कर सकते हैं पैरा समरी को सॉल्व करने के लिए ये 2014 से ये हमारे कैट में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है पैरासमरी अभी तीन क्वेश्चन पूछे गए थे para jumble से para summary से पैरासमरी तो ये हमारे पास में एक मार्क्स फीचर कह सकते हैं कि ये एक मार्क्स फीचर आते हैं देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है बहुत सारे लोगों लो का इस पे क्वेश्चन है कि भाई बताइए सर पैरासमरी को कैसे सोल्व करें तो चलो आज हम इस पैरासमरी को ही सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज पैरासम बहुत ही आसान है समझने की कोशिश करो पहले समझ लेना है व्हाट सबसे पहला पॉइंट विच हैव जस्ट डिस्क्राइब ओवर हियर फॉर यू गाइस सो दैट यू जस्ट कॉम्प्रिहेंड दैट वन इजीली राइट सो फर्स्ट पॉइंट विच जस्ट गिवन यू दैट जो पैरासमरी का जो लेंथ होता है ना वो वन हंड्रेड टू वन भाई गॉड ये तीन क्वेश्चन आएंगे 100 टू वर्ड्स के हो सकता है कि इसका लेंथ और बढ़ सकता है बट इट इट मे बी यू नो वेरी फ्रॉम यू नो क्वेश्चन क्वेश्चन सो वुड वर्क ओवर द फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू यू नो कंसिडर आई मीन जस्ट कीप दिस पॉइंट दैट स्पीड मस्ट बी ओवर वाइज मैं बताता हूं कि मैं बात नहीं कर रहा हूं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बच्चों की जो आई मीन I mean, दिल्ली के बच्चे हैं या फिर अदर स्टेट्स के बच्चे हैं उनकी स्पीड जो होती है ना पढ़ने की बहुत तेज है बिहारी बिहार 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 और यूपी यहाँ पे बच्चे के साथ में जो स्पीड होता है ना किसी चीज को मैं सारे लोगों की बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका पढ़ने से थोड़ा नाता दूर का है मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो उनका स्पीड थोड़ा कम होता है और वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा होल पैसेज एंड समरी पैरा कम्प्लीशन या फिर आप कह सकते हैं कि पैरास इन सारे क्वेश्चन को विदिन सेकेंड विद इन मिनट कैसे सॉल्व कर सकते हैं नो नॉट ऑल जब तक आपकी स्पीड नहीं है ना that will be problematic for you guys so first of all you have to just consider this once that speed must be there why you are just reading something speed kya honi chahiye to 100 to 150 150 words per minute to hona chahiye aapka matlab ki para समरी uh, के कुछ क्वेश्चन है ना उसको आप एक मिनट में पढ़ लो पढ़ने के बाद आपके पास में ऑप्शंस आएंगे उसको भी पढ़ना होगा गेटिंग में पॉइंट तो उसके लिए आपको क्या स्पीड के साथ-साथ देखो स्पीड को मैंने ना बोल्ड नहीं किया है बोल्ड किया है कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को मतलब क्या है दोस्तों कि स्पीड के साथ-साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन बिहार यूपी के लड़के जो अभी जो वैकेंसीज गवर्नमेंट की नहीं आ रही है मोस्ट ऑफ दी जो जो एक चंक है ना बच्चों का वो कैट की तरफ भाग रहा है मैनेजमेंट इंटरेस्ट की तरफ भाग रहा है लेकिन कैट और मैनेजमेंट में जाने के बाद उनको उनको मिल मिल क्या रहा है? उनको मिल रहा है है कि भाई बहुत सारे रीड करने होंगे भाई बहुत सारा पैराग्राफ है 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 जिसको रीड कर ही समझना है, पढ़ना है, उनकी रीडिंग स्पीड भी कमजोर होती है, उनका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी कमजोर होता है मतलब क्या है कि हमारे बच्चों को रीडिंग के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन भी करना है जिनका रीडिंग अच्छा है भाई उस वो कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करें क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है कि आपको पैरासमरी में ये नहीं देगा कि हमारे आसपास में सराउंडिंग्स में हो क्या रहे है? वो कहीं का भी फिलॉसफी से रिलेटेड होगा या फिर किसी सोशल uh, एक्टिविज्म से रिलेटेड होगा या फिर आपका uh, कॉमर्स से रिलेटेड हो गए बहुत सारे हो सकते है। दूसरे कंट्री का यहां पे बात हो रही होगी तो वहां की जो इकॉनॉमी है वहां की कंट्री की इकॉनॉमी के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं तो वहां हम स्पीड रहने के बावजूद भी उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे मतलब क्या है दोस्तों मतलब साफ है कि दो चीजों का होना जरूरी है पहला तो आपका स्पीड मतलब उसको पढ़ लो विद इन स्पैन ऑफ टाइम देन आफ्टर उसको कॉम्प्रीहेंड भी कर लो Right. अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी है कि आप पढ़ पा रहे हो लेकिन जो बोलते हैं ना मैनेजमेंट में दो चीजें आते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है भाई Efficiency and effectiveness. मतलब काम को करो लेकिन विद इन स्पैन ऑफ टाइम जो आपको टाइम दिया हुआ है उसमें करो तो दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है ये कैट मैनेजमेंट सिखाने से पहले ही ये बच्चों को वैसा ढूंढता है कि वो जो उनको उनके पास थोड़ा सा ही इसके बारे में हो कि भाई किसी काम को कैसे हम विदिन, आ, मतलब विदिन हम विद विद इन इन मतलब द टाइम लिमिट कर पाते हैं तो ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी है सबसे हमने बोर्ड में दिया है कि कॉम्प्रिहेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन तो होना ही चाहिए रीडिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है यार आपने नाइन्टीज पर मिनट पढ़ लो या हंड्रेड पढ़ लो या वन पढ़ रहे हो आगे पीछे हो सकता है लेकिन यार अगर समझ भी नहीं पा रहे हो ना ये भी प्रॉब्लम है तो कॉम्प्रिहेंशन है, है, हम कैसे कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे देखो तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट में देखा है वाइटर रोल ओ माई गॉड मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दो कैबुलरी यू कैन इजिली कॉम्प्रीहेंड दैट वन बिकॉज हंसता क्या है इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द I don't like aberrant kind of people. So what is, are you know. कि यू पता है कि यू का मतलब क्या है डोंट लाइक जहां तक पता है अब एबरेंट ये सारे जो आ रहे हैं आपके पास ना तो ये सारे प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे फंस जाते हैं बाकी पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है तो मतलब क्या है कि जो आपका सेंटेंस है ना सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो जब वर्ड्स आपको समझ में आएंगे सेंटेंस आएगा सेंटेंस समझ में आएगा तो आपके पूरे पैराग्राफ समझ में आएंगे आई आई होप यू आर जस्ट गेटिंग दिस ऑल सो गाइज

समरी जब हम कहते हैं तो समरी और कंक्लूजन में क्या फर्क है थर्ड पॉइंट तीसरा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन समरी एंड कंक्लूजन भाई पैराग्राफ पढ़ा मैंने अब उसके पास में पा, चार ऑप्शन दिए गए हैं अब इस चार ऑप्शन में हमको फाइंड करना है क्या कौन सी मेंटेलिटी से फाइंड करें मतलब कि हमारे पास में पैरा समरी है या फिर पैरा आपको उसका समरी बताना है या फिर कंक्लूजन बताना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों दोनों अलग अलग पार्ट है कंक्लूजन अलग है समरी अलग है मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समरी को ही कंक्लूजन समझ लेते हैं तो इसको अगर इस माइंड से आप उसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होगा तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं इफ आई जिस गिवेन टू प्लस टू इज इकल टू फोर

इक्वल हो रहा है ना ये फोर है मतलब कि ये लेकर सारे के सारे इसके हैं जिसको ले करके आपको समरी बनाना होता है मतलब कि समरी इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंक्लूजन कंक्लूजन का मतलब हो गया कि भाई दो लोग लड़ रहे थे एक आदमी आया दोनों में सुलह करा दिया तो क्या सुलह हुआ ये बताइए तो भाई ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला अच्छा ये सोल्यूशन दिस इज अ कंक्लूजन राइट लेकिन लड़ रहे थे तो कैसे लड़ रहे थे और कौन कौन लड़ रहे थे और क्या उसका सोल्यूशन हुआ ये पूरा का पूरा अगर ब्रीफ में हम बात कर रहे हैं ना तो ये आपको उस पूरे फाइट से लेकर के अंत तक का जो समप होता है वहां पे ये है आपका समरी समरी ऑफ द होल पैसेज समरी एंड कंक्लूजन बिल्कुल ही अलग है अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि राहुल इज अ स्टोलन मनी फ्रॉम द पॉकेट ऑफ सोहन बट आफ्टर टू डेज

एसेंस होगा मतलब कि राहुल एक थीव भी है और उसने पैसा भी चोरी किया लेकिन कुछ दिनों के बाद दो दिनों के बाद उसने उसको लौटा भी दिया इन सब से कनेक्शन होना चाहिए ठीक है अब क्या होता है उसमें पैरा समरी में जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो ऑप्शंस में चार ऑप्शंस दिए होते हैं और चारों ऑप्शंस एक दूसरे के जैसे होते हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा काम क्या करता है सबसे ज्यादा काम करता है एलिमिनेशन एलिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ आउट ऑफ स्कोप मतलब कि ये इसमें है हाँ ही नहीं है ये तो भैया इसका पार्ट हो ही नहीं सकता है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मतलब कि हम चाहते हैं पे ट्राई टू फिगर आउट नाउंस उसमें कितने हैं क्या main point है है कैसे उसका logical बन रहा so, नाउंस दो तो देखो कि क्या है नाउंस पहले रीड करेंगे पढ़ेंगे उसको पैराग्राफ को और रीड कर करके हम देखेंगे कि क्या हमारा सब्जेक्ट मैटर है वट इज सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर हमें नाउन से ही मिलेगा मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूँ

एक मतलब कह सकते हैं कि हम उससे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं लेकिन ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है ना ये तो बाहर की चीजों को सिमिलरिटी के तौर पे हम समझाने की बात कर रहे हैं इसलिए उसका एक एग्जांपल लिया गया है ये पूरे पैराग्राफ का समरी में इसका कोई योगदान नहीं होना चाहिए मतलब कि फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इफ आई एम जस्ट पुटिंग समथिंग बिफोर यू इट डजंट मीन दैट वुड बी द मेन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ राइट जस्ट यू हैव टू फोकस अपॉन दोज नाउन्स फ्रॉम वेर वी हैव जस्ट स्टार्टेड जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसी नाउन्स पे फोकस करो और उसका रिलेशन क्या है मतलब की दो पार्ट होते हैं किस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट

टू क्रिएट लॉजिक logical link between the nouns और उसी को हम लोग logically link करते हैं एक noun से दूसरे noun तक क्योंकि उसका एक connection होता है ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे economy के बारे में बात करें और दूसरे के economy का एक example दिया है तो हम उस economy को अपने इस economy से relate करा देंगे no not at all चलिए अब आते हैं next point की तरफ these logic लॉजिकल लिंक्ड नाउन विल हेल्प यू टू एलिमिनेट एनीथिंग दैट वुड बी आउट ऑफ द कंटेक्सट मतलब की ये जो लॉजिकल लिंक नाउन है ना ये जिससे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ये क्या करेगा कि बाहर के जितने भी बेकार की चीजें हैं उसको वो हटा देगा मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मतलब जो बात कर रहे होने ना, किसी के रिश्ते के बारे में अगर बात कर रहे हैं शादी लग रही है तो लड़का और लड़की के कैरेक्टर और उसके फैमिली के बारे में देख रहे हैं ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोस में जो रहने वाला फैमिली है ना उसके कैरेक्टर को देख रहे हैं तो ये इलॉजिकली हो गया हाँ हो सकता है कि उसके बारे में बात की जा रही हो कि हमारे पड़ोस में एक आई और पी अधिकारी रहते हैं उसके बारे में वी आर जस्ट टॉकिंग क्योंकि हमारा रिलेशन थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा भाई कि हम किसके तो एक डॉक्टर इंजीनियर आई के बगल में रहते हैं ऐसा हो सकता है बट अगर जहां पे कॉन्वे हो रहा है मैरिज हो रही है वहां पे बात कर रहे हैं लड़का लड़की तो वहां पे सिर्फ सिर्फ अपनी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अपने फीचर्स के बारे में अपनी गुडविल के, के बारे में बात होगी बात उनकी भी हो सकती है बट दैट वुड बी आउट ऑफ द कंटेक्सट राइट तो समझ लीजिए इसको नाउ

Vocabulary, please improve that one. Uh, you can just go and uh, search it out. There are a lot of, you know. Uh, हो सकता है कि आपने नॉमस लुइस का बुक भी खरीद के रखा होगा उसको भी देख लो थोड़े से नॉवेल्स वगैरह पढ़ा करो अच्छे अच्छे नॉवेल्स आते हैं उसको पढ़ा करो एंड uh, मैं बोलूंगा कि कैबलरी के वीडियोस देखो इमेजेस बेस्ड वीडियोस देखो ठीक है रट्टाफिकेशन के बेस पे नहीं करो रटना नहीं है जैसे कि हम लोग हिस्ट्री या जियोग्राफी को रट्टा मारते हैं ना नहीं रटना नहीं है यूज दोज कैबलरी इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन सो दैट यू कैन जस्ट बिल्ड योर आई मीन कम्युनिकेटिव स्किल्स एज वेल एज these grammar portions also and you can just uh, solve these you know uh, the uh, para summary para uh, jumble kinds of questions as well. So I am just giving you the main point, the concept of the para summary and the last is that what you need to do compare options. Options dekha beta options को compare करो and try to eliminate on the basis of scope कि भैया इसका scope है या फिर नहीं है ठीक है इतना समझ में आ गया तो आगे एक example से तुमको और अच्छी तरीके से elaborate करते हैं और इसके बाद मेरी सारी क्लासेस आपके समरी पे ही होगी और इसको अगर आपको अच्छे से समझना है एस एम आई आ जाओ एस एम आई स्टडी एम बी एंड वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द समरी हाउ यू कैन जस्ट इजली सॉल्व दैट वन एंड आई जस्ट गिव यू लॉट ऑफ यू नो ग्लेम्स दैट यू नो डील विदासमरी एंड एंड लॉट ऑफ यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन

जो मारना है तुक्का मारना है जो भी मानना है तुम तुक्का मारकर भी इसको कर सकते हो लेकिन एक बार खुद से पढ़ करके इसका आंसर फाइंड करो पॉज करो और देखो मैं क्लासेस स्टार्ट करू चलो रीड करते हैं इसको तुम लोग पॉज कर चुके हो गए देर आर मेनी एंड गुड रीजन वाई वीमेन लिटिल इन द वेटरलीन्यूमेंट वीन ऑफ इसको देख लेते भाई क्या बोल रहा है ये यह यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है

पोएट्री बट हम लोग लिटरली मोन्यूमेंट्स का मतलब क्या बता रहे, uh, रहे हैं कि जो, जो पुराने जमाने के जितने भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो लिखी जाती थी उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं मोन्यूमेंट्स स्पेशली पोएट्री द मेन रीजन इज एजुकेशन रीजन क्या है मेन रीजन इज एजुकेशन और मोर इज स्पेसिफिकलीक ऑफ इट इन मोस्ट वाइफ अटिल वेल इन टू देंचुरी भाई क्लियर क्लियर हो हो रहा रहा है है। है? बात, बात थोड़ी-थोड़ी रही है। क्या बोल के प्रति वोमेन का रुझान बहुत ही कम देखने को मिल रहा है इसके बहुत सारे रीजन है द मेन रीजन पहले बता दिया भाई कि हाँ मेरे पास है एक रीजन एक रीजन है एक रीजन द मेन रीजन इज एजुकेशन ये पहले ही बता दिया इसने बोला नहीं कि हाँ मे बी इट मे बी द रीजन नो द मेन रीजन इज एजुकेशन और मोर स्पेसिफिकली द लैक ऑफ इट इसकी कमी हो सकती है इन मोस्ट वुमेन्स अंटिल वेल इन टू सेंचुरी जब तक हम लोग जा रहे थे ना उसमें ट्वेंटी सेंचुरी में उस वक्त तक वुमेन में सबसे ज्यादा लैकिंग या कह सकते हैं कि uh, मतलब कि uh, जो लिटरली नॉलेज जो है या फिर उनके प्रति जो एजुकेशन के प्रति उनका झुकाव है वो बहुत ही कम था ठीक है तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ दिया इन द लाइट ऑफ दिस

मतलब उसमें से कुछ थी उसमें इनटच वेन हु हैड वैसी औरतें जिनके पास में ग्रामर का कोई में नहीं पढ़ी लर्न लैटिन कभी लैटिन को नहीं सीखा एंड डिड नॉट नो द रूल्स ऑफ सिंटेक्स के बारे में भी नहीं जानतीमेंट के बारे में नहीं जानती है लेट अलोन ऑफ प्रोसिटी प्रोसिडी का मतलब क्या होता है वर्ट इज द प्रोसिटी Let alone prosody, पे फंस जाते हैं यहाँ पे काम करता है आपका विकेबुलरी और इज द प्रोसिटी दउंड एंड रिदिट्री एंड स्पीच जो एक पैटर्न को हम लोग यूज करते हैं ना जो राइम्स बनता है और बहुत सारे आपके उसमें पैटर्न यूज किए जाते हैं किसी पोएट्री को कहने में उसी को बोलते हैं और कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ पोएट्री इज कॉल प्रोसिटी ऑल्सो राइट लेट अलोन ऑफ प्रोसिटी सेट हर सेल्फ टू राइटिंग लाइन

डो शी माइट एंड शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वो लिख तो देती थी लेकिन समझती नहीं थी कॉपी में तो यही होता है कि हमारे साथ में जो हम करते हैं वो हमारा बंदर भी कर देता है राइट कॉपी कर देता है पैरट कर देता कुछ है कुछ जानवर करते हैं बट उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो वैसा नहीं होता है जैसा हम समझते हैं उसको राइट तो वैसा वो करती थी इमिटेटिंग करती थी लेकिन वो समझती नहीं थी कि लिखा क्या है और कैसे भाव क्या व्यक्त करना है वो सारी चीजों के बारे में अमेल आर्ट को या फिर अमेल ट्रेडिशन को इमिटेट करता मतलब है, है कि ऐसा प्रोड्यूस करती थी इसका मतलब क्या है कि जनरली प्रोड्यूस पोएट्री एकदम बेकार तरीके से बेस्ट नहीं था दैट वॉज एट बेस्ट इम्परफेक्ट एट वर्स एंड फ्रेंकली

Is because, यहां पे reason बता रहा है. ओनली ऑप्शनएजुकेटेड वुमेन is टू mean of इज What is इज mean ऑफ प्लेजराइज प्लेजराइज दूसरों के विचारों आदि की चोरी करना साहित्य की चोरी साहित्यिक चोरी करना इन ऑर्डर टू शो हर सेल्फ एज सुपीरियर नो नॉट एट ऑल ऐसा कुछ बात नहीं था कि वो सुपीरियर दिखाने के लिए करते थे दिस इज आउट ऑफ द स्कोप सो वी कैन जस्ट इजिली हा प्लेजराइज इज द यू कैन से इमिटेटिंग बट ट्राई टू अंडरस्टैंड किसी चीजों को मतलब की नकल करना कॉपी करना और प्लेजराइज मतलब चोरी कर लेना इज नॉट डिफरेंट थिंग

शी वु सी द मेल क्रिएशन एज आइडियल एंड ट्राई टू कॉपी दस वो मानती थी इस चीजों को ना मेल क्रिएशन का ही सारी चीजों को कॉपी करती थी ये हो सकता है ये हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट

नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि इट सुटेड मेन विल विल सेंस सिंस इन सच अ सिनेरियो द वुमन हैड सो व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस इफ आई जस्ट स्टोक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशंस यू नो पैराग्राफ एंड द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन ओवर हियर जस्ट यू हैव टू फोकस एंड द पॉइंट्स व्हिच आर जस्ट कनेक्टिंग

लास्ट ईयर uh, uh, के भी जितने भी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के भी हैं उसको आप जाकर के देख लो अगर आपको और भी कोई कुछ है तो आप एस वेबसाइट पे जाओ एस एम आई पटना डॉट इन और वहां से आप लॉग इन करो मुझसे बात करो मिलेंगे और बहुत सारे चीजों को और भी समझाएंगे थैंक यू फॉर वाचिंग मी गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार चीजों के साथ में आई होप यू एंजॉय थैंक्स सो लॉट